1995 से कुछ बुलारे बोल करके गया। हम लोगों को नौकरी का जो मांग है, जो सुनते हैं कि सभी जगह, असम हुआ, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह परमानेंट डिपो हुआ, पंजाब के बारे कर लगा यहाँ कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। हाँ, इस लेकर के सभी को तो अपना जब भी होता है पंजाब का बारी आता है। क्या टोटल बच रहे पंजाब में? अगर मजदूरों के कोई देखने वाला आज के डेट में यूनियन है, अरे हम लोग सभी साथी तो उन्हीं का थे। एफसी वर्कर्स यूनियन का हम लोग सभी हैं, लेकिन उनका नियत नहीं रहने के कारण बोलने के लिए प्रतिबंध लगा गया है, लेकिन कुछ बोलना पड़ता है। जितने भी हिंदुस्तान के पैमाने पर लीडर्स थे, जो 400-700 वर्कर लेकर के लाखों वर्कर बुलाया, पूरे हिंदुस्तान में झंडा फहराया, वो सारे लीडर को कल्ली करके काटने का ही काम किए। इनसे पूछा जाए कि जब से 1900 साड़ी दैनिक उजाला वैब टीवी की टीम गुरदासपुर के FCI के गोदामों के पहुंची आ, उत्थे FCI के जिहड़े दुखी लेबर आ उन्होंने गलबात करांगे। साढ़े ओम प्रकाश जी, उमेश कुमार जी, FCI लेबर यूनियन के प्रधान साहब ना मैं तुहानू मिलाउण जा रहा वा। उमेश कुमार जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरे पंजाब में भारतीय खाद निगम अध्यायी के अंदर में भिन्न भिन्न सिस्टम जो बना रखा है, कोई डिपार्टमेंटल है, कोई DPS है, कोई नेटवर्क है, कोई मैनेजमेंट कमेटी या कॉन्ट्रेक्टर सिस्टम। हमारी यूनियन की मांग 2015 से है जो एक सिस्टम में इसको लाया जाए और एक सिस्टम, क्योंकि हमारी जो है ये लड़ाई 2015 से चल रहा है, तो सिंगल सिस्टम की मांग है। आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच भी जो है सिंगल सिस्टम को अप्रोच देके NIT बम्बई में जो नेशनल क्रिमिनल में हमारा केस चल रहा है इक्वल वर्क और इक्वल पे में, उन्होंने भी इलाहाबाद लेनी हाईकोर्ट ने भी उसको आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर जो है सिंगल सिस्टम लागू करें। उसके बाद फूड मिनिस्टर 7 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री रामविलास पासवान जो हमारे इस महकमे का मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा 40,000 मजदूरों को जो हम सिंगल लेवल सिस्टम लागू करें। हम इसलिए पूरे पंजाब का दौरा कर रहे हैं, यदि ये सिस्टम को जल्द से जल्द लागू नहीं किया गया तो यूनियन के बल्लों जो है यूनियन को सारे हिंदुस्तान में एकत्रित एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सिस्टम को लागू कराएंगे। यही हमारी मुख्य मांग है। इन्होंने बताया है कि अगर ये हमारा मांगे ना मानी गई, सिंगल सिस्टम ना माना गया तो पूरा अपने लेबर यूनियन जी है सड़कों पर उपर आ जाएगी, तो नाल रोड जाम किए जाएंगे, तो नाल होर भी कोई सानू कार्रवाई करनी पई तो अही करांगे। बाकी मैं इन्हों एक क्वेश्चन करांगा कि तुहानू तनखा वगैरह या जो कोई आदमी एक्सपायर हो जाता वा उसके बच्चों को नौकरी मिलती या नहीं मिलती? अभी इसमें जो है 5% का सीलिंग किया है,
पहले 100% होता था, डिप्यूस और डिपार्टमेंटल का भी 5% का सीलिंग किया, वो भी बहुत कम होता है। कारण क्या है कि बहुत सारे डिपो को बंद करके एक डिपो में इकट्ठा कर दिया है, फुलिंग और शिफ्टिंग किया है, रेल हेड के काम छूट गया, मजदूरों को सरप्लस करता है, इस करके आज मजदूरों को बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिए बहुत घट तनख्वाह होने के कारण मजदूरों का आक्रोश है, जो सिंगल सिस्टम में लागू किया जाए मजदूरों की स्वास्थ्य सेवा, ताकि उनको जो है बच्चे का इलाज का हो सके, बच्चे का पढ़ाई का हो सके, जैसे भारत सरकार करता है, लेकिन इन मजदूरों को कोई सुविधा नहीं है। धन्यवाद। इन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को ही बच्चों को कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो ना ही इनको जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो नौकरी मिलती है। मैं सरदार केवल सिंह, 5% सीलिंग में मिलती है। मैं सरदार केवल सिंह एक्स MP साहब से पूछूंगा कि आपको वक्त वक्त भागों में डाला गया है, क्यों डाला गया है, उसके बारे में बात करेंगे सरदार केवल सिंह MP साहब। ਸੰਬੰਧ ਹੈ FCI ਦਾ, FCI ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਹੈਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪੂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ FCI ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਉਜਾਲਾ ਤੋਂ ਜਗਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਕੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਤੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਢੁੰਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ
सम्मान के लोग आज की सभा के सभापति एक्स एम पी सरदार केवल सिंह जी मौजा मंच पे बैठे हुए और हमारे एफसीआई ने भी राजेश शर्मी को डाई टेडर किया गया। क्यों किया गया शायद आपको मालूम नहीं होगा। नागपुर के अंदर में एक मीटिंग उन्होंने किया था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको अंदाज लगाना। जिस तरह से आज भाई लोग प्रेस वाले आए हैं उसी तरह से प्रेस वाले उनसे इंटरव्यू लिया, कहा इनको कितना मिलता है, उसी समय उन्होंने बोल दिया ये 50,000 से दो।